टेलीसर्विसेस महाराष्ट्र में हिस्सा बेच सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टाटा टेली में 30% हिस्सा बेचा जा सकता है टाटा ग्रुप के जरिए, और टाटा टेली में हिस्सा बिक्री करीब 100 करोड़ डॉलर में हो सकती है। इस खबर के चलते आज के कारोबार में टाटा टेली के शेयर में 5% की तेजी देखने को मिली। पहली तिमाही के नतीजे के बाद हेक्सावेयर के शेयर में 10% तक की गिरावट देखने को मिली। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 15% गिरकर करीब 84 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की आय में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के एबिटा में भी करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई। सोशल मीडिया की दुनिया में मशहूर ट्विटर अब सोशल मीडिया ऐप से न्यूज ऐप कैटेगरी में आ चुका है। ट्विटर एपेक, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के एमडी परमिंदर सिंह का कहना है कि ट्विटर शुरू से ही यूजर्स तक खबरें पहुंचाने का माध्यम रहा है, चाहे वो खबरें उनके शहर, देश, दुनिया से जुड़ी हों या अपनों से। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एमआरएमजीएफ से दिल्ली के साकेत के मेट्रोपॉलिटन मॉल में 2 दुकानें खरीदी थी, जिस पर अगस्ता डील में गंभीर सवाल उठ गए हैं और उसकी जद में राहुल गांधी भी आ गए हैं। जी मीडिया ने इस पूरी खबर की पड़ताल की है, जिसमें सामने आया कि राहुल ने मेट्रोपॉलिटन मॉल की 2 दुकानों से 5 साल 250% से ज्यादा मुनाफा कमाया है। रेलवे टिकट बुकिंग की वेबसाइट IRCTC के हैक होने की खबर है। इससे करीब 1 करोड़ ग्राहकों के पर्सनल डेटा चोरी होने की आशंका है। हालांकि IRCTC ने ऐसी खबर का खंडन किया है, लेकिन मामले की जांच के लिए हाई कमेटी बना दी गई है। रेलवे ने भी माना है कि वेबसाइट हैक हुई है और ग्राहकों के पैन कार्ड सहित कई दूसरी सूचनाएं चोरी हो गई हैं। आने वाले दिनों में देश के 8 बड़े रेलवे स्टेशन पर मॉल्स और होटल जैसी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। रेलवे ने देश के 8 स्टेशन का कायाकल्प करने की योजना तैयार की है। स्टेशन विदेशी तर्ज पर इस तरह विकसित होंगे कि यात्रियों को शहर के अलग अलग हिस्सों के लिए सारे ट्रांसपोर्ट माध्यम एक ही जगह पर मिलेंगे, जबकि शहर में बाहर से आने वाले यात्रियों को ठहरने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए 100% FDI की छूट है। मुंबई में रेलवे से सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है। मुंबई सेंट्रल रेलवे के बाद अब 15 और बिजी स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा शुरू की जाएगी। रेलवे की टेलीकॉम आम रेलटेल ने इन स्टेशन की लिस्ट तैयार कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजी। दिल्ली में मंडी हाउस और ITO स्टेशन के बीच मेट्रो की सेवा कई घंटे तक ठप रही। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेट्रो नेटवर्क की वॉलेट लाइन करीब 4 घंटे तक ठप रही। आइडिया सेलुलर के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। आइडिया ने गूगल प्ले पर एप्स, गेम्स और मूवीज की पेमेंट के लिए डायरेक्ट कैरियर बिलिंग शुरू की है। इसकी मदद से आइडिया यूजर्स बिना क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से अपने टेलीकॉम अकाउंट से डायरेक्ट ऐप के लिए पेमेंट कर सकेंगे। रिलायंस जियो ने कर्मचारियों के अलावा अन्य ग्राहक भी जोड़ने शुरू किए हैं। फिलहाल रिलायंस जियो की सेवाएं हैंडसेट के साथ ही मिलेंगी। कंपनी ने इस बारे में अपने कर्मचारियों को ईमेल भेजा है। कंपनी ने कहा कि कर्मचारी अपने परिवार वाले, दोस्तों, रिश्तेदारों को LYF हैंडसेट्स के लिए रेफर कर सकते हैं। दिल्ली में आज आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई। इस बैठक में आतंकियों की घुसपैठ और अलगाववादियों के प्रदर्शन को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का मुख्य मकसद सीमा पार से घुसपैठ को रोकना। वाइस एडमिरल सुनील लांबा अगले नौसेना अध्यक्ष होंगे। वो 31 मई को मौजूदा नेवी चीफ एडमिरल RK धवन की जगह लेंगे। नेविगेशन और डायरेक्शन के एक्सपर्ट 58 साल के सुनील लांबा का कार्यकाल 3 साल का होगा। वाइस एडमिरल लांबा इस समय नौसेना में की पश्चिमी कमान के प्रमुख।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज छठे और आखिरी चरण के लिए बंपर वोटिंग हुई। 5 बजे तक कुल 84% वोट पड़े। छठे चरण में 2 जिलों की 25 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। राज्यसभा में आज अगस्ता घूसकांड और राम मंदिर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा में राम मंदिर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। सिंह ऑपरेशन में फंसे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई ने पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया है। हालांकि हम आपको बता दें कि इस मामले में हरीश रावत ने ये तो जरूर कबूल किया है कि वो इस स्टिंग में है, लेकिन उनका ये कहना है कि किसी जर्नलिस्ट से मिलना गुनाह नहीं है। यूपी के बुंदेलखंड में पानी को लेकर सियासत जारी है। सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र से बुंदेलखंड में 10,000 पानी के टैंकर दिए जाने की मांग की है। यूपी सरकार ने केंद्र का पानी लेने से इनकार कर दिया। वहीं केंद्र की ओर से भेजे गए पानी के खाली टैंकर्स पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गोवा में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी विधायक बाबूश मोन्सराटे ने सरेंडर कर दिया है। आरोपी विधायक ने आज पणजी में गोवा क्राइम ब्रांच के दफ्तर में सरेंडर किया। यूपी सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री राम शंकर कठेरिया के खिलाफ चल रहे 5 केस वापस ले लिए हैं। अखिलेश सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक आगरा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के खिलाफ केस जनहित में वापस लिए गए। उज्जैन में भारी बारिश और तूफान की वजह से सिंहस्थ कुंभ में शामिल होने पहुंचे 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ में दलितों के साथ 11 मई को शिप्रा नदी में स्नान करेंगे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के एक नेत्रहीन आश्रम में दिव्यांग पिछले 48 घंटे से भूखे हैं। कड़ी धूप के बीच हाथों में थाली लेकर अपना विरोध दर्ज कराते ये हैं माधव नेत्रहीन आश्रम के दिव्यांग। हरियाणा के रेवाड़ी के सुमा खेड़ा और कतोपरी गांव की लड़कियों ने आजकल स्कूल जाना बंद कर दिया है। यहां स्कूल जाने वाली लड़कियों के साथ लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पिछले महीने 10वीं क्लास की एक छात्रा के साथ रेप की घटना के बाद गांव के लोगों में गुस्सा है। एमपी के सिंगरौली में शौचालय का निरीक्षण करने पहुंची लेडी अफसर ने पंचायत सचिव से उठा बैठक लगवा दी। दरअसल पंचायत सचिव पर शौचालय की फर्जी तस्वीर बनाकर दिखाने का आरोप। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पिछली सदी में पाए गए दुनिया के सबसे बड़े हीरे को साउथ बे ऑक्शन हाउस ने आम लोगों के लिए रखा। तो फिलहाल इसी के साथ फास्ट 50 में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।